दो दिनों से हो रही बारिश के बीच बुधवार को पंचायत चुनाव के चौथे चरण में मतदान हो रहा है। जिले के मनिगाछी और तारडीह में बारिश की वजह से मतदान देरी से शुरू हुआ। अधिकतर मतदान केंद्रों पर बारिश मतदाताओं के उत्साह पर पानी नहीं फेर सकी। वोटर बड़ी संख्या में छाता लगाकर मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। इनमें महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। मतदाताओं में अपनी पंचायत सरकार चुनने को लेकर उत्साह है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मनिगाछी के 22 पंचायतों में कुल 2108 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 1,62,092 मतदाता करेंगे। कुल 318 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं ताराडी की 14 पंचायतों में कुल 1,391 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 79,971 मतदाता करेंगे। यहां कुल 165 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। मतदाता मनीष शंकर कामती ने कहा कि वे अपनी पंचायत की सरकार का चुनाव करने के लिए यहाँ मतदान करने आए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत में सभी पदों पर अच्छे और स्वच्छ छवि के प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए वोट डालेंगे। उन्होंने कहा कि बारिश होने के बावजूद मतदाता हर हाल में मतदान करने के लिए यहाँ आए हैं। वहीं पीठासीन पदाधिकारी सुमित कुमार ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। उन्होंने कहा कि मतदान में अभी तक किसी प्रकार की तकनीकी बाधा नहीं आई है और ना ही सुरक्षा की कोई समस्या उत्पन्न हुई है। वोटिंग कैसा चल रहा है सर? यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। सभी लोग शांतिपूर्ण मतदान कर रहे हैं। अच्छा से चला है ना? बहुत अच्छा से चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप जो वोट गिराने के लिए आए हैं, आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा है जो अच्छा कोई पंचायत का अच्छा आदमी बने, अच्छा कोई मुखिया बने, अच्छा कोई सरपंच बने, अच्छा कोई स्थिति आदमी बने।